मंगलवार को संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर हंगामा कर रहे सांसदों पर कार्रवाई की गई। लोकसभा के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं कई सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर लगातार हो रहे निलंबन को लेकर प्रदर्शन किया। इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। वहीं पास खड़े सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते दिखे। मामले को लेकर खुद उपराष्ट्रपति ने कल संसद में अपना बयान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि ये बहुत ही निंदनीय और अस्वीकार्य है। वहीं मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बात की है। जगदीप धनखड़ ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने कहा कि पीएम ने खुद फोन करके मामले पर दुख जताया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जो आपको सुनने को मिल रहा है वो मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूं और इस तरह के अपमान को सह रहा हूं। देश में उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही मामले को लेकर राष्ट्रपति ने भी खेद प्रकट किया है और इस घटना को निराशाजनक बताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया वो निराशाजनक है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होना चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इससे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही धनखड़ ने बुधवार को सदन में कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप मेरी बेइज्जती करो, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं देश के उपराष्ट्रपति, मेरे वर्ग की, किसान समाज की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बेइज्जती पर खून के घूंट पी लेता हूं, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने अपने पद की गरिमा को सुरक्षित नहीं रखा। अपने पद और इस सदन की गरिमा को रखना मेरा काम है। इतनी बड़ी घटना घटी, मेरे जाति को अपमानित किया गया, मेरे किसान समाज को अपमानित किया गया, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है।